अजवाजी जिंदगी से लेकर पूरी इज्तिमाई जिंदगी बिखरने लगती है अगर वहाँ फवाहिश और बेहयाई के असबाब का सद्देबाब ना हो। दुनिया का कोई सोसाइटी आबाद नहीं हो सकती, खानदान नहीं जुड़ सकते, घर नहीं आबाद हो सकते जब तक कि उनमें फवाहिश और बेहयाई के असबाब का इंसदाद और उनके रोकथाम ना हो। क्योंकि आज दुनिया में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, इसलिए दुनिया मादी लिहाज से कितनी ही तरक्की क्यों ना कर जाए, उनके ख़ानदानों का हाल और उनके घरों की जिंदगियां एक किस्से पारिना बन चुकी हैं। बल्कि अब तो घरेलू जिंदगी का तस्वुर ही वहाँ ख़त्म, मियाँ बीवी का वहाँ तस्वुर ही ख़त्म होता चला जा रहा है, तस्वुर ही ख़त्म होता चला रहा। इसलिए अल्लाह के नबी, मेरा नबी अलैहिस्सलाम इस सिलसिले की बहुत सारी हिदायत देते हैं और तंबीह भी फरमाते हैं, वाइद भी सुनाते हैं, तरगीब भी देते हैं, डराते भी हैं और उसके फजाइल भी बताते हैं। हज़रत हसन फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत है देखने वाले पर और उस पर जिसको देखा जाए। मतलब ये कि जो कोई किसी नामहरम औरत को या किसी की सतर को जिसका देखना हराम है अगर देखेगा तो ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। इसी तरह जिसने कसदन दिखाने का मौका फराहम किया, जिसने कसदन दिखाने का मौका फराहम किया वो भी अल्लाह की लानत से महरूम हो जाएगी। एक औरत बाहर निकलती है इस अंदाज में कि उस पर नजरें पड़ती हैं, उसे पता है तो देखने वाला भी गुनाहगार है और जितने लोगों की नजरें उस पर पड़ रही हैं उन सब की लानत भी उस पर है। इसलिए पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आया कहा रसूलल्लाह अगर अचानक नजर पड़ जाए तो फरमाया अंदर तरीका हुआ करी मियाँ अपनी नज़र हटा लो ना, अपनी नज़र हटा लो, ठहरने ना दो, गलती से खता से नज़र पड़ गई हटा लो। علي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة। अपनी नज़र के बाद दोबारा नज़र न डालना या नज़र ठहराए ना रखना, फौरन हटा लेना। पहली नज़र तो माफ है लेकिन दूसरी नज़र नहीं। मेरे नबी फरमाया करते थे गैर को नज़र बद से देखना, गैर को देखना, गैर की बेटी बहनों को देखना, ये शैतान का वो जहर में बुझा हुआ तीर है कि जिस तरीके से जहर में बुझा तीर से बसावकात सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह इस बदनज़री से बसावकात महीनों और सालों की नौरानियत ज़ाया हो जाती है, जहर में बुझा तीर की तरह है। ये वो गुनाह है जिन्हें हम हमारा माशरा मामूली समझता है, बल्कि कोई मना करे तो यार ये कैसे कैसे ज़िंदगी गुजर सकती है इसके बगैर, ये कैसे हो सकता है इसके बगैर, ये जवाब सुनने को मिलता है कैसा मुमकिन है। तो मेरा अजीज़ो इससे क्या होता, भी तो आज इबादतें बेरूह हो गई कि नेकियां भी चल रही हैं और ये बदनजरी भी चल रही है तो उसमें ताकत ही नहीं है, बेरूह। अल्लाह के नबी फरमाने लगे कोई शख्स किसी औरत की तरफ नज़र उठाए और फिर फौरन अल्लाह के डर से नज़रें हटा ले, अल्लाह इस दुनिया में इसे ऐसी इबादत नसीब फरमाता है कि जिसकी हलावत ये अपने अंदर महसूस करता है। कोई आदमी एक पूरा दिन 24 घंटे हराम ना देखे और हराम ना बोले, यकीन जाने उसे मज़ा आएगा, दिल करेगा सजदे में पड़ा रहूँ, तिलावत करता रहूँ। रहमान फरमाया करते थे किसी को अल्लाह साफ दिल नसीब फरमा दे तो उसका दिल कभी कुरान की तिलावत से सैर हो ही नहीं सकता। हम तो देखते हैं ना आए और भागे। और एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चीज़ में अल्लाह के डर से नजरें झुका ले तो उसे ऐसी इबादत मिलेगी कि उसकी हलावत यहाँ भी महसूस करेगा। क्योंकि ये बदनजरी का गुनाह बहुत आम हो गया, घर पहुँचे टीवी लगा दी, जीव देखना है जी, वो और भी बहुत कुछ दिखाते हैं आपको, क्रिकेट आ रहा है वो देखना है, कौन वो भी खुआ रहे हैं ये भी खुआ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो सट्टेबाज हैं उन्होंने क्या तमाशा कर रखा है, लेकिन कौन बाज नहीं आ रहा, वो रमज़ान को भी नहीं छोड़ते, गालियाँ भी देते हैं देखते भी हैं, अजीब अकलें मारी गई हैं। तो गुनाह ही गुनाह है, इसलिए तो नमाज पढ़ी और नूरानियत कोई नहीं, रोज़ा रखा और नूरानियत कोई नहीं, ज़कात दी और नूरानियत कोई नहीं, हाँ नफल पढ़े तरावियाँ पढ़ी नूरानियत कोई नहीं, वो नूर इकट्ठे ही नहीं हुआ, बाल्टी में इसने दूध डाला और इस आँख की सुराख से वो सारा दूध ज़ाया हो गया तो क्या रहेगा बाल्टी के अंदर। दिल के प्याले में नेकी का नूर आया और आँख की सुराख से वो सारा ज़ाहिर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा नूर, कुछ नहीं बचता। इसलिए तो ज़िंदगियाँ नहीं बदलती इबादतें करने के बाद भी, रमज़ान में, रमज़ान जैसा मुकद्दस महीना जिसे मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह हर चीज़ का रेट जिसे कहें कि मजदूरी बढ़ा देते हैं, हाँ
और इस मौसम में अल्लाह अपने वली बनाता है, विलायत के दर्जे नसीब फरमाता है, लोग अल्लाह के वली बन जाया करते हैं और हमें गुनाह भी कर रहे हैं। हम भी नेकियां करते हैं अल्लाह के वलियों की तरह, तहज्जुद पढ़ना, तिलावत करना, सदका खैरात करना, ये अल्लाह के प्यारों की नेकियां हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारों में और हम में फर्क ये है कि वो अल्लाह के लाडले और प्यारे नेकियां करते हैं, बचा लेते हैं, हम नेकियां उन जैसी करते हैं लेकिन जाया कर देते हैं। ये फर्क है, वो बचा लेते हैं, हम गुनाह करके जाया कर देते हैं। हुमामा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी गैर की तरफ नज़र उठाता है और फिर अल्लाह के लिए झुका देता है तो अल्लाह उसे इबादत की हलावत नसीब फरमाता है। अब तक बद नज़री की लज्जत से हम आशना हैं, कभी नज़रें झुकाने की लज्जत भी चखें, उसका भी अपना मज़ा है। हालांकि बद नज़री की लज्जत सिर्फ इतनी है जैसे एक शख्स को ख़ारिश हो, ख़ारिश, और वो ख़ारिश करता है तो जब तक ख़ारिश करता है बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ख़ारिश करने वाले को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि जिसको ख़ारिश हो ही नहीं उसे ख़ारिश करने में मज़ा भी नहीं आता। तो इसी तरह जिसको गुनाह की ख़ारिश लगी है उसे गुनाह करने में मज़ा तो आता है लेकिन इतना जितनी ख़ारिश में, लेकिन फिर क्या होता है, फिर ज़ख़म बढ़ता है, उससे ज़्यादा ख़ारिश उठती है, पीप निकलती है, मज़ा खून निकलता है। हाँ, इसी तरह जो शख्स बद नज़री की लज्जत लेता है आती है इतनी देर जितनी ख़ारिश करने वाले को, लेकिन फिर क्या होता है, ये ज़ख़म और गहरा होने लगता है और फिर हराम देखने का जज्बा इससे ज़्यादा ज़ोर से उठता है। और सच कह रहा हूँ, जिसकी आंखें कंट्रोल में नहीं उसका दिल कंट्रोल में नहीं, जिसका दिल कंट्रोल में नहीं उसकी शर्मगाह कंट्रोल में नहीं, ये अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। जिसकी निगाहें महफूज नहीं उसका दिल महफूज नहीं, जिसका दिल महफूज नहीं उसकी शर्मगाह महफूज नहीं। तो प्यारे नबी तो बहुत आगे की बात बता रहे हैं ना कि किसी को रोक लो, फिर ऐसा ना हो कि दिल बचाना मुश्किल हो जाएगा, बचा लो वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी इफ्फत चली जाए और ये एक ऐसा दाग हो जाएगा कि फिर सारी जिंदगी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ऐसा मुंह काला हो जाएगा। इसलिए उसे पहले रोक लो, इस आंख को बचा लो, इस आंख को बचा लो। तो इसको बचा लिया तो अल्लाह ईमान की हलावत भी नसीब फरमाएगा। लेकिन देखा लज्जत आएगी लेकिन ख़ारिश की तरह, ज़ाहिर है ख़ारिश की लज्जत सेहत की लज्जत जैसे तो नहीं हो सकती ना, सेहत की लज्जत की तरह तो नहीं हो सकती, पायदार लज्जत है वो सेहत की। इस तरह कोई शब्द अपनी निगाहों को बचाता है तो ये लज्जत बड़ी पायदार है, इसका अपना मज़ा है। कोई आदमी 24 घंटे देख ले कि नज़र गैर की तरफ नहीं देखनी, वो महसूस करेगा अपने दिल के अंदर एक ठंड है, ठंडक है, ठंडक ठंडक महसूस करेगा। वो कोई अभी बाजार से घर वापस होके आए और बद नज़री करके आए, अजीब सी अंदर से एक बेचैनी सी है, बेसकूनी सी है, ऐसा लगता है कुछ अंदर से चीज़ चली गई। गुनाह का असर होता है, उसके नतायज हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी नज़रों को बचाओ। फिर आपने फरमाया, इब्न उमर रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यख़लुवन्न रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। माशरे को फवाहिश और गंदे अखलाक और आमाल से रोकने के लिए आपने जो और बहुत सारी हिदायत दी उनमें एक शर्त ये भी है कि कोई मर्द किसी औरत से तनहाई में ना मिले, अगर मिलेगा तो शैतान को ऐसे मौके पर खूब खेलने का मौका मिलेगा, खूब खेलने का मौका मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कोई नामहरम आदमी किसी औरत से तनहाई में मिले और वहाँ तीसरा शैतान मौजूद ना हो। जवान बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ती हैं, जवान बच्चियाँ जब बुरे नतीजे आते हैं फिर रोते हैं और फिर ऐसा ज़ख्म लगते हैं कि दिखा भी किसी को नहीं सकते। तो मेरे नबी ने क्या बताया, वो कहाँ जा रहे हैं? आज जिन्होंने अच्छे स्कूल के इम्तिहान की तैयारी करनी है, ये ऐसे बदकिस्मत निज़ाम तालीम है, ऐसे बदबخت लोग हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का निज़ाम बना लिया कि ये जानबूझ कर ग्रुप बनाते हैं, हर ग्रुप में एक दो बच्चियाँ और एक दो लड़के, और बताओ एक लड़का और एक लड़की ग्रुप बनते हैं। अब माँ बाप भी मतलब मेरा बेटा तो आज तालीम तैयारी कर रहा है स्कूल की, अपने ग्रुप के साथ गया है, मेरी बेटी तो आज ग्रुप में सीखने के लिए जैसे कहेंगे तैयारी करने के लिए जा रही है, रातें वहीं गुजर जाती हैं। हैरतें हद से ज़्यादा मेरे ख्याल औदाद के बारे में खुद एतमादी है, हद से ज़्यादा खुद एतमादी है, और नतीजे बड़े क्या हैं शर्मी से ज़्यादा माशरा जानता है। तो अल्लाह का नबी तो बहुत आगे की बात सोच रहे और बता रहे, फरमाया जहाँ ये होगा वहाँ तीसरा शैतान ज़रूर होगा, वहाँ तीसरा शैतान, और उसे खूब खेलने का मौका मिलेगा। حدثوا ابن امام فرمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى اياكم الدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله ارايت الحمو قال الحمو الموت رواه البخاري। حدثوا ابن امام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو, اس معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ ایک شخص نے دریافت کیا شوہر کے قریبی رشتہ دار دیور وغیرہ کے بارے میں حضور آپ کا کیا ارشاد ہے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ روایت کس نے کی؟ امام بخاری نے کی ہے, قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب امام بخاری کی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ غیر مرد غیر عورتوں کے پاس جانے سے بچے۔ فرمایا کہ رسول کیا خیال ہے آپ کا؟ کس کے بارے میں؟ شوہر کے بھائی کے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا وہ تو موت اور ہلاکت ہے۔
उसमें भी पर्दा है, उसमें भी पर्दा है। शोहर के करीबी रिश्तेदार बाप है, उसे पर्दा नहीं। उसकी पहली बीवी से औलाद है, उसे पर्दा नहीं। ये सब महरम है, लेकिन हकीकी भाई है वो नामहरम है। उसने आजादाना घर में आना और खलबत और जलबत में बेतकल्लुफ और बेपर्दा और उससे बातें करना और मजाक करना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इंतहाई खतरनाक है। इफ़त और दयानत के लिए गोया जहर कातिल है, ये जहर कातिल है। और दुनिया तमाशा देख भी रही है, खबरें भी आती हैं, हाँ खबरें भी आती हैं। तो इसलिए ये मेरे नबी के इस्लामी माशरत की हिदायत हैं कि घरों के अंदर पर्दा जिंदा करें। पहले मुसलमानों की ये चीज़ बहुत अहतमाम से थी और उसकी बरकतें भी घरों में बहुत थी। जब से ये चीज़ घरों से निकली है, आज हर शख्स देख रहा है खानदानों का हाल क्या है, घरों का हाल क्या है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।